हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम अब देख रहे हैं वो है वायरल वीडियो, हैदराबाद कॉप रन्स फॉर 2 किलोमीटर्स टू हेल्प एम्बुलेंस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा टाइटल है, कमाल की न्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पर यस, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए, और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो ना पसंद करने की कोई वजह होगी, तो कर देना लाइक इस वीडियो को और शेयर करना ये ब्यूटिफुल वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रास्ता बनाया एम्बुलेंस के लिए, रास्ता अमेजिंग वीडियो। ये होता है कि अच्छे इंसान का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। और अमेजिंग है कि देखो, जैसे उन्होंने लिखा था, साइड में बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ देखा कि एक एम्बुलेंस जो है वो स्ट्रगल कर रही है, सायरन उसके बज रहे हैं, पर निकलने की फिर भी जगह नहीं मिल रही। तो इतने लोग थे, कोई नहीं आया हेल्प के लिए, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी समझी कि मैं ये हेल्प करूं। और कैसे भागते हुए जगह जगह से वो क्लियर करने की कोशिश की उन्होंने, और कह रहे हैं जैसे कि 2 किलोमीटर तक उन्होंने हेल्प की है। और बहुत ही मतलब अच्छी तरह से जैसे वो जा रहे थे, अगर कोई बाइक वाला या स्कूटर वाला है तो उसको पीछे से अटेंशन करने के लिए उसको मतलब थोड़ा सा टैप किया और फिर बोला कि भाई साहब जरा उधर हो जाओ। और जहां पे गाड़ियां बड़ी हैं और उनको साइड में होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे जाके उनके सामने भी उनको हेल्प करके डायरेक्ट करें कि अब आप इस साइड हो जाओ, आगे आ जाओ, उस टाइप से। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। एक सैड सिचुएशन है, इसको देखते हुए मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि देखो कितनी भीड़ है, और ये हर जगह है, हर बिग सिटी में यही प्रॉब्लम होती है। और उस वजह से जब कोई इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस को जाने की जरूरत होती है, तो कोई जगह ही नहीं मिलती है। तो कोई एक कुछ करना चाहिए जिससे ऐसी सिचुएशन कभी हो ना पाए, या तो एक लेन हो जो उन्होंने स्पेशली एलोकेट करके रखी हो कि भाई ये लेन में एम्बुलेंस या स्पेशल वो हो, या पता नहीं, आई मीन ट्रैफिक इतना है कि कोई सोल्यूशन ढूंढना भी शायद टफ ही होगा। पर बिग सिटीज में जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर्स और ये सब भी होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो मे बी इंडिया सोच सकता है कि उस डायरेक्शन में जाए, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो एक बार वो भी सोचने वाली है। पर ये है कि एक अवेयरनेस ये वीडियो ला रही है कि हम एज कॉमन जो लोग हैं, अगर हमें ऐसी सायरन कभी सुनाई दे और हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें रास्ता इमीडिएटली देना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए कि किसी पुलिस वाले को आके हमें बताना पड़ रहा है जी साइड पे हो जाओ, आपको पीछे से आवाज आ रही है, आपके पीछे जैसी वो आएगी आपको सुनाई तो देगा। तो इमीडिएटली हटने की आपको कोशिश और करनी ही चाहिए, मतलब कोशिश क्या, करना ही चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट
जो है, जो उस एम्बुलेंस में है इंसान, उसके लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। अगर हमने एक मिनट की देरी कर दी तो एक जो इंसान जो बच सकता था वो उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में हो सकती है। तो ये एक मॉरल हमारी ड्यूटी भी है कि अगर आपको सायरन सुनाई दे रहा है तो आप जल्दी से एक जगह पे कोने में हटके, रुक भी जाना पड़े तो रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर लेट पहुंच जाएंगे तो कोई बात नहीं। और डेफिनेटली जो इतना अच्छा काम कर रहा है वो पूरे वर्ल्ड का, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक ट्रू हीरो है। बहुत ही अच्छा मैसेज है। आई होप कि इसी तरह से हम लोगों को भी ऐसे अगर कभी हो तो हम भी ऐसा एक अच्छा काम करें, पीछे हटे नहीं। तो बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग वीडियो था। और इसमें जो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होता पता लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बहुत रश था। और फर्क यह है कि जैसे यूएसए में देखते हैं तो यूएसए में न्यू सिटीज हैं, ये पहले जो हैं सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे लोग रहते थे, बॉस्टन मैसाचुसेट्स वगैरह वहाँ पे। अब उसके बाद धीरे 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 सिटीज बनी है, तो थोड़ी प्लानिंग ज़्यादा हुई है क्योंकि आप एक खाली एरिया में सिटीज बना रहे हैं। अगर पहले से चली आ रही है तो हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो उससे क्या होता है कि यूएस में आप दोनों तरफ शोल्डर जिसे कहा जाता है काफ़ी गैप छोड़ा होता है, ये रोड है बीच में, रोड के इधर शोल्डर है, रोड के साइड में शोल्डर है। तो जब भी अगर एम्बुलेंस आती है तो पहली बात तो यह है कि आपको ड्राइवर्स लाइसेंस लेने से पहले आपका टेस्ट होता है, आपको रिटन टेस्ट में पास होना पड़ेगा। जब रिटन टेस्ट में पास होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठेगा और वो आपको बताएगा इधर जाइए उधर जाइए, ऑब्जर्व करेगा कि आप सब चीज़ें जो हैं रूल्स ठीक तरह से कर रहे नहीं कर रहे, आपने स्टॉप साइन पे स्टॉप किया, आपने इधर देखा उधर देखा, आपके पीछे आपने कैसे मर्ज किया, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो उसमें जो होता है, जो टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको क्या करना है अगर पीछे से इमरजेंसी व्हीकल आता है। पहली बात तो यह है कि अगर इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है और वो अगर सायरन नहीं बजा रहा इसका मतलब इट इज़ नॉर्मल, मगर अगर वो सायरन बजाना चालू कर देता है तो आपको इमीडिएटली जो है, अगर आप राइट लेन में हैं तो राइट में जाके आपको रुकना है और लेफ्ट लेन में है तो लेफ्ट में जाके रुकना है। अब वो तभी पॉसिबल है कि अगर साइडों में आप जा सकते हैं, वो तब होता है कि शोल्डर्स हैं। तो इसलिए चाहे जितनी भी कई बार लेन्स होती हैं जिसमें छः लेन्स होती हैं, कई जगह आठ लेने हैं, मगर जब कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उधर वाला बंदा शोल्डर में जाता है, अगला बंदा उधर, सारे के सारे बंदे इधर उधर हो जाते हैं और रास्ता पूरा खुला छोड़ देते हैं जाने के लिए। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, न्यूयॉर्क वगैरह में जाएंगे या डैलस भी कह लीजिए, जो भी बहुत बड़ी सिटी है वहां जाएंगे तो कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम क्यों होता है? कोई एक्सीडेंट हो गया तब जब कब पुलिस आएगी? और आपको लीगली जो है लोग रुकते हैं वहां पे क्योंकि वो प्रूव करना चाहते हैं किसकी गलती थी। तो जितना बड़ा एक्सीडेंट है उतना जल्दी चीजें जो है साइड में नहीं होती। मान लीजिए किसी का ऐसे थोड़ा सा बम्पर ही टच किया तो चलो साइड में हो जाते हैं लोग अपने आप ही, मगर अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, किसी की चोट लगी किसी को फिजिकल, या कोई गिर गया, कोई फेंट हो गया, किसी का खून आ रहा है, तो चीजों को क्राइम सीन को नहीं हटाते तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। अब इसमें अगर इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सब जैम है, मूव करने की जगह ही नहीं, आप कितना मूव करेंगे आगे पीछे, मतलब जैम है। तब क्या होता है, फिर इमीडिएटली जो है वो हेलीकॉप्टर होता है कि वो जो है पहले से। अब एक चीज और है कि काफी जो है रेडार से मेंटेन हो रहे हैं रोड्स, ऊपर सैटेलाइट जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को ऊपर से पता है कि किस रोड में क्या पंगा चल रहा है, क्योंकि आप ट्रैफिक भी देखते हैं गूगल मैप्स में, आप ट्रैफिक देखते हैं तो आपको गूगल मैप पे दिखाता है कि ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ रेड है। तो गूगल मैप्स भी हेल्प कर रहा है। वो कैसे हेल्प कर रहा है? वो सिंपल पिंग कर रहा है आपकी स्पीड उस रोड पे। नॉर्मली आजकल हर इंसान के पास फोन्स हैं, बहुत लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं तो उनको गूगल मैप्स को पता चल जाता है कि आपकी व्हीकल की लोकेशन क्या है और आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं। जब उसे दिखता है कि कोई बंदा रुक गया तो उसको सिग्नल आ जाता है गूगल मैप को सर्वर में कि अच्छा आप रुके हुए हो, फिर एक और बंदा, चार बंदे, दस बंदे, पंद्रह बंदे, तो गूगल मैप्स इमीडिएटली रेड कर देता है कि यहाँ पे भैया लोग रुक रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपने तरीके से भी एरियल मॉनिटरिंग से भी पता है कि वहां पे क्या सिचुएशन है, तो उस हिसाब से अगर कोई पंगा होता है तो सीधा हेलीकॉप्टर आता है उस बंदे को। और नॉर्मली ये चीजें तब होती हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया रोड में, एक्सीडेंट रोड में हो गया तो हेलीकॉप्टर आएगा पिक करके चले जाएगा, या किसी घर में, अगर मान लीजिए घर में कोई इमरजेंसी हो गई और अब उसे रोड से हॉस्पिटल जाना है तो भी हेलीकॉप्टर आएगा और करेगा। मगर ये बात सही है कि उस वक्त जो है यूएस में फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है अगर यूएस में हर चीज, हर बंदे को इंश्योरेंस चाहिए होती है, अगर आपको इंश्योरेंस नहीं है तो आप समझ लीजिए गए काम से। तो इंश्योरेंस होती है तो इंश्योरेंस टेक केयर करेगी, मगर ऑफ कोर्स आपको काफ़ी
पैसा आपका भी जाएगा, तो वो इम्प्लीकेशन जो है काफी ज्यादा हो सकते हैं, मगर फैसिलिटी है इस बात की। और यूएसए का एक मुद्दा हमेशा रहता है वोटिंग में भी, जो इलेक्शन था यही था कि आप किस तरीके से मेडिकल कॉस्ट को लोअर करेंगे। मगर मैं यही कहूंगा कि इंडिया में भी लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इतनी ट्रेनिंग मतलब जो होनी चाहिए सोचने के लिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अगर साइडों में जगह नहीं है तो हेलीकॉप्टर ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे समय बीतेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा धीरे धीरे। आजकल आप भी बताएंगे जो जो नई रोड्स बन रही हैं, श्योर उसके आगे पीछे जो है शोल्डर, शोल्डर का मतलब समझ लेती है आधी से ज्यादा लेन खाली साइड में इधर भी होती है उधर भी होती है, जिससे ट्रैफिक यहाँ हो सके और इमरजेंसी व्हीकल निकल सके। मगर इसमें अगर वापस बात आते हैं तो ये पता चलता है कि इतने अच्छे इंसान थे, कितने डेडिकेटेड इंसान थे, उन्होंने सेल्फलेसली जो है कार्य किया। उनको ये उनको थोड़ा पता था कोई उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं था। उन्होंने सीधा इमिजिएटली आए, उन्होंने देखा एम्बुलेंस की प्रॉब्लम थी, आए फटाफट, उन्होंने अपना काम किया, एम्बुलेंस लग रहा था, एम्बुलेंस वाले शायद रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एम्बुलेंस वाले में कोई अच्छा इंसान था जिसका दिल छू गया उसका कि देखो भैया हम एम्बुलेंस में फंसे हुए हैं, ये सामने एक इंस्पेक्टर हैं जो भी हैं कॉन्स्टेबल हैं, वो कहीं से भी आ गए और हमारी हेल्प कर रहे हैं बिना किसी बात के, राइट? तो जो एम्बुलेंस वाला उसे खुशी हुई, उसने इमीडिएटली रिकॉर्ड करना चालू किया कि देखिए कितना अच्छा इंसान है, तो उसने अपना ग्रेटिट्यूड पे किया, देखिए आपके आपकी वजह से कोई जो पेशेंट बैठा है वो बच जाएगा, राइट? तो आपने जान बचाई किसी की, और उन्होंने बहुत प्यार से लोगों को भी, यू प्यार से ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं बोले थे, प्यार से, और लोग उल्टा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं जब प्यार से उन्होंने देखो भैया आ रही है तो सब लोग देखते हैं वो अच्छा, मतलब सभी लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, वो भी हेल्प करना चाहते थे, सभी ये हेल्प करना चाहते थे, सब प्यार से कर रहे थे। सिर्फ ये होता है कि जब सायरन आ रहा है तो सभी को सुनाई दे रहा है सायरन, तो यूएस में तो लॉ है कि अगर मान लीजिए आपने बाकी सायरन बजते हुए आ रहे हैं और मान लो आपने नहीं फॉलो किया लॉ साइड में नहीं करे, तो इमीडिएटली जो एम्बुलेंस वाला है वो उसके पूरे रिकॉर्ड है, उनके डैश कैम लगे हुए हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं लाइसेंस प्लेट, फिर आपको चालान कर देगा, आपको फाइन आ जाएगा घर पे कि आपने ये लॉ जो है ओबे नहीं किया था और आपको ये फाइन है। तो इसके पीछे जो है फाइन भी इन्वॉल्व है कि अगर आप नहीं करते आपको फाइन हो जाएगा, बोले नहीं। और कई बार मुझे याद है कि एक बार किसी ने नहीं, उसी इमीडिएटली नहीं हुआ था तो बहुत जोर जोर से हॉर्न भी मार के वार्निंग भी दी थी उन्होंने। और एक और हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उनमें जो है इन एम्बुलेंसेस में एक बहुत ही हाइपर हॉर्न होता है, तो जब कोई फॉलो नहीं करता वो पीप बजाते हैं, सारे आसपास वाले डर जाते हैं, बहुत ही खतरनाक हॉर्न, मतलब इतना तेज होता है आप कहा जाते बोलेंगे क्या हो रहा है यार, तो पीप पीप मतलब बहुत ही खतरनाक हॉर्न होता है, उससे कोई भी बंदा जो है साइड में हट सकता है। और ऑफ कोर्स जो है आपको और लोग भी हैं, और लोग भी उसको चिल्लाने लग जाते हैं क्या कर रहा है, हट 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 हट, तो और लोग भी जो है सिटीजंस भी हेल्प करते हैं उसको बताने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। एक बार एक ऐसा केस हुआ था जहां पे एक भाई साहब हट नहीं पा रहे थे, तो पता लगा वो डेफ थे, तो वो डेफ थे, तो फिर भी फिर मगर लॉ ने बोला कि चाहे तुम डेफ हो तुम्हें अपने रियर व्यू में दिख नहीं रहा, इतने लाइटें नहीं दिख रही, तो सिर्फ ये था डेफ वालों के लिए, सिर्फ इतना था कि थोड़ा पास आके उनको पता चलेगा, क्योंकि वो उनको सुनाई तो दे नहीं रहा, तो अगर वो देखते हैं अपने रियर व्यू में उनको दिखा या साइड मिरर्स में दिखता है तभी वो रिएक्ट करेंगे। तो ये ऐसा केस हुआ था, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था भाई साहब जो सुन नहीं सकते थे, जब उन्होंने रियर व्यू में देखा और आसपास देखा ट्रैफिक मूव, तब उन्होंने रिएक्ट किया, दैट्स व्हाई देयर वाज सम डिले। तो मगर वो काफी अच्छी, मगर फिर भी है ये बहुत ही बढ़िया मोटिवेटिंग वीडियो था, वेरी गुड। इसी से बस यही मैं कहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट होगी कि कभी भी आपको सायरन सुनाई दे तो प्लीज जगह जरूर देना, ताकि कोई एक लाइफ जो जा रही है वो हमारे इस छोटे से काम से वो बच सकती है, और एक फैमिली अपने लव्ड वन को जो है लूज नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा वीडियो था, मैं तो बोलूंगी ग्रेट इंसान है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।